दोस्तों यूँ तो आप लोगों को कई गैंगस्टर के बारे में मालूम होगा, बट दोस्तों कई गैंगस्टर ऐसे भी थे जिनसे पुलिस और सरकार भी डरती थी। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ सबसे खतरनाक गैंगस्टर के बारे में मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। रमन राघव। रमन राघव ना तो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन था, ना ही कोई गैंगस्टर और ना ही कोई डकैत। वो था एक मनोरोगी, मतलब साइको। 1929 में पुणे के गांव में पैदा हुआ रमन राघव खूनी मनोरोगी कैसे बना, क्या कंडीशन ने इसे साइको बना दिया, ये किसे पता नहीं। अब बात करते हैं इसके क्राइम के बारे में। इसने महज सनक में 41 लोगों को मार दिया था, और इसकी खासियत ये थी कि ये लोगों को सिर्फ रात में ही मारता था। और इसकी मौत ना ही एनकाउंटर, ना ही फांसी और ना ही उम्र कैद से हुई। इसकी मौत किडनी फेलियर की वजह से हुई। और दोस्तों इसी के नाम पे एक मूवी बनी है जिसके डायरेक्टर अनुराग कश्यप है, और मूवी का नाम रमन राघव 2.0 है। विकास दुबे। विकास दुबे जो कि लोगों के बीच विकास पंडित के नाम से मशहूर था। विकास दुबे का खौफ लोगों में इतना ज़्यादा था कि कोई भी उसके गवाही देने के लिए सामने नहीं आता था। 1964 में यूपी में पैदा हुआ विकास दुबे बहुत छोटी सी उम्र से लड़ाई मार में शामिल हो गया था। पहले तो वो छोटे मोटे अपराध करता था, बट धीरे धीरे वो एक गैंगस्टर बन गया, जिसके चलते 1990 में दुबे पे पहला मर्डर केस दर्ज हुआ। फिर धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ने लगा, और ऐसे चलते उसने DCP समेत 8 पुलिस वालों को मार दिया और यूपी का गैंगस्टर बन गया। बट उसकी मौत कुछ इस तरह से हुई कि जब UP STF की पुलिस जब उसे कार से कानपुर ले जा रही थी, तब भारी बारिश के कारण वो कार पलट गई और विकास दुबे पुलिस की गन छीन के भागने लगा। तभी UP STF को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसका एनकाउंटर करना पड़ा। अरुण गवली। अरुण गवली एक ऐसा गैंगस्टर जो गरीबों का मसीहा था। अरुण गवली गैंगस्टर और पॉलिटिशियन है जो मुंबई के दगड़ी चाल में रहता था, और कहते हैं कि उसके परमिशन के बिना मुंबई पुलिस भी दगड़ी चाल में कदम नहीं रख सकती थी। फिलहाल अभी वो जेल में सुरक्षित है। 1955 में अहमदनगर में पैदा हुआ अरुण गवली। शुरुआत में अरुण गवली हफ्ता वसूली करता था, और वसूली करते करते उसकी मुलाकात रमा नायक और बाबू से हुई, और उन्होंने BR गैंग बनाई। 1984 में रमा नायक और अरुण ने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी में मदद किया। 1987 में रमा नायक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, और अरुण को लगता है कि रमा नायक का एनकाउंटर दाऊद ने करवाया है, और तभी से इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। और गवली ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति को मार दिया, और कुछ सालों के बाद उसको जेल हो गई, और वो अभी भी जेल में है। और दोस्तों इनके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम डैडी है। श्री प्रकाश शुक्ला। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कई माफिया है जिनका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा रहा है, बट श्री प्रकाश शुक्ला ऐसा नाम था जिससे जनता ही नहीं बल्कि यूपी पुलिस और नेता भी खौफ खाते थे। ये 90 का दशक का यूपी का सबसे बड़ा डॉन था, जो खौफ और आतंक का दूसरा नाम बन गया था। वर्ष 1993 में एक युवक ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को छेड़ दिया था। इस पर श्री प्रकाश शुक्ला ने युवक का हत्या कर दिया, और ये उसका पहला जुर्म था। और धीरे धीरे वो यूपी का गैंगस्टर बन गया, और इसके बढ़ते जुर्म से नेता और पुलिस कर्मियों का ब्रेन आउट हो गया था। इसलिए यूपी पुलिस ने STF फोर्स बनाई, और उनका यही उद्देश्य था कि उन्हें श्री प्रकाश शुक्ला कैसे भी चाहिए, जिंदा या मरा। सितंबर 1998 में STF को पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद आ रहा है, तभी वहाँ STF फोर्स पहुँच गई और उसका एनकाउंटर कर दिए। दोस्तों श्री प्रकाश शुक्ला पे एक वेब सीरीज बनी है जिसका नाम रंगबाज है। मन्या सुर्वे। इसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, और जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसने अपने साथ पढ़े कुछ दोस्तों को भी अपने गैंग में शामिल कर लिया था। मन्या को अपराध की दुनिया में उसके सौतेले भाई भरगव दादा ने लाया था। उस समय भरगव दादा की उस इलाके में काफ़ी दहशत थी। मन्या सुर्वे ने भरगव दादा के साथ मिलकर
वर्ष 1969 में किसी दांडेकर का मर्डर कर दिया था। इस कत्ल के आरोप में मन्या सिल्वर को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी केस में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। सजा के बाद मन्या सिल्वर को मुंबई की जगह पर पुणे की जेल में रखा गया था, लेकिन सजा दिए जाने से मन्या सिल्वर सुधरने की जगह और ज़्यादा कुकार हो गया था और जेल में बंद डॉन सुहास के छोकरों को पीटने और मारने लगा। इससे जेल प्रशासन परेशान होकर उसे वहाँ से निकालकर रत्नागिरी के जेल में शिफ्ट कर दिया। मन्या सुर्वे ने वहाँ भूख हड़ताल कर दिया। हालत खराब होने पर उसे सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ से मौका मिलते वो फरार हो गया। वहाँ से फरार होने के बाद वो वापस मुंबई आ गया। फिर मुंबई में उसने एक गैंग का निर्माण किया, कई सारे वारदातें किए। वारदातें बढ़ने से मुंबई पुलिस और नेता के सिर में दर्द कर दिया था इसने, इसलिए मुंबई पुलिस ने उसकी तलाश करना शुरू कर दिया था। और बीच में मन्या सुर्वे अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने ब्यूटी पार्लर में गया था, तभी मुंबई पुलिस को इसकी खबर लग गई और उन लोगों ने उसकी उसी जगह पर एनकाउंटर कर दिया। दोस्तों, मन्या सुर्वे की इस कहानी पर आधारित एक मूवी बनी है जिसका नाम शूट आउट एट वडाला है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ मज़ेदार फैक्ट्स के साथ।